नमस्कार, मु कैवल्य आपण को स्वागत करुछी ओडिशा भास्कर्षर अन्यतम निदर्शन राजारानी मंदिर को। दीदी सह प्रथम थर आसीथिली भुवनेश्वरर राजारानी मंदिर। एकादश शताब्दी रे निर्मित ए देवता विहीन मंदिरर सौंदर्य काहाकु भी आकृष्ट करिनेबो। टिकेट काटी भीतर को गला परे एहर मेंटेनेंस मते बहुत पसंद आसिला, जहा कि ऑनेस्टली ओडिशार अनेक दर्शनीय स्थान रे एहर अभाव देखा जाए। एठी गार्डेन सबू वेल डेकोरेटेड थिला और परिष्कार भी थिला, जहा कि आपण को पसंद आसीब। मो भोनी को कहितिली यूट्यूब पाई मोर गोटे वीडियो नेबा को, किंतु कथा हेउची मु बिल्कुल भी फेक एक्सप्रेशन दे पारेनी कैमरा आगे। छेड़ा होई कविता भाषण कहीदेवी सहज, किंतु ए ब्लॉगिंग वीडियोस मो पाई तो नुह। से दिन मु बुझीगली से फोटो हेउ कि वीडियो कैमरा आगे छेड़ा होई हसीदेले गला। एबे आपण माने देखि पारुथिबे राजारानी मंदिरर चारि पाखर दृश्य, जहाकु कि भल भाबरे मेंटेन कराइछि। एकादश शताब्दी रे सोमवंशी राजांक द्वारा राजारानी मंदिर प्रतिष्ठा करा जायथिला। जदियो या भगवान शिवंकु समर्पण करा जायथिला, मात्र एथिरे कोनोसी देवता पूजा पांती नाही। एहा अनंत वासुदेव मंदिर ओ लिंगराज मंदिर समसामयिक बोली विश्वास करा जाए। मो मतरे मंदिर भीतर भाग को टूरिज्म पई आउ किछि उपयोगी करा जाय पारिबो। बाहर भाग बहुत सुंदर लागिला, जहाँ कि आपण फोटोज भिडियोज नेबा पूरा उपयुक्त अछि, किंतु भीतर भाग को टिके ध्यान दे हबो। एही मंदिर को देखिले लागे सतरे आम ओडिशार कला भास्कर्य केते सुंदर थिला, सेथिपई तो एहाकु उत्कृष्ट कलार देश बोली कहा जाउथिला। केते सुंदर से चारुकला, केते सुंदर से कारुकार्य, भाबिले उत्कल कारीगर पाखरे निजर मुंड नई जाउची। धन्य तुम्हें उत्कल कारीगर, धन्य। जदियो मंदिर को देखापी अनेक लोक आसुथांती, हेले सेमिति भाबरे भिड़ एथि परिलक्षित होउनथिला। एहार कारण होउची मंदिर बेसी समय रहिबापी सेमिति किछि नाही। सेथिपई आमे भी मंदिर रे किछि समय रही बुलाबुली करी आमर नेक्स्ट मंदिर को चली आसिलु। ता होउची मुक्तेश्वर मंदिर। आगामी ब्लॉग रे आपण मुक्तेश्वर मंदिर विषय देखिबा को पाइबे। थैंक यू।